कर दे। नमस्कार, आप देख रहे हैं आधार न्यूज सराना। फिलहाल आपको बता दें कि आज व्यापारी मंडल और उनके साथ बड़े बड़े जो अगर कह सकते प्रधान यहाँ पर मौजूद हैं, और आज जो है सात शहर के अंदर जो है रोड शो निकाला जा रहा है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं मार्केट एसोसिएशन के मेरे भाई, पेड़ पाट वाले भाई, मिस्त्री भाई और जो पंप टेस्टिंग का काम करते, सभी से अपील है कल पूरी तरह से प्रोति के विरोध में ऑटो मार्केट बंद करने का निर्णय है। फेज वन, फेज टू, फेज थ्री पूरी मार्केट बंद रहेगी। आपके समर्थन में अनाज मंडी भी बंद रहेगी। आपसे अपील है भाई, कोई दुकान ना खोल ले, अपने घरों में रहे, माल खाए, या ग्रोवर टायर के जहाँ पे या चौक में इकट्ठे होंगे, यहाँ टेंट लगेगा, यहाँ सारे भाई आ जाए। और यही सबसे अपील है, बार बार कल कहना ना पड़े भाई, सभी से दोबारा कह रहा हूँ, क्योंकि ऊपर नीचे की बजाय पहले ही अपना बंद रखे, क्योंकि 10 टीम में पूरी मार्केट में राउंड मारेगी। सभी से अपील है अपनी दुकानें बंद रखे। भाई आपको बता दें कि कल जो है दुकानें बंद करने का ऐलान किया गया है। जी हाँ, हिसार की ऑटो मार्केट को कल पूरी तरीके से बंद करने का ऐलान किया गया है बजरंग दास घर के द्वारा, और फिलहाल हमारे साथ मौजूद भी है सर। नमस्कार। नमस्ते सर। प्रशासन की कार्यवाही से कितने खुश हैं? देखिए, 3 दिन पहले अल्टीमेटम दिया था हमने, ऑटो मार्केट बंद की कॉल की थी, अपराधी नहीं पकड़े गए तो ऑटो मार्केट बंद करेंगे। आज दूसरा दिन है, कल तीसरा दिन है, कल पूरी मार्केट बंद रहेगी। फेज वन, फेज टू, फेज थ्री इब ऑटो मार्केट प्रधान पवन जी का और हमारे कोयल साहब का और हमारे पूर्व प्रधान है, सबका फोन आया, प्रधान जी हमें क्या आदेश है, हम भी बंद कर दे। मैं कर दो भाई, एक दिन बोली नहीं सी, मंडी भी बंद कर दी। और भाई बात यह है, 5 करोड़ की फरोख्ती पहले, फिर भीम ऑटोमोबाइल में 2 करोड़ की फरोख्ती, फायरिंग इब गोयल के 2 करोड़ की फरोख्ती, और 3 तो ऑटो मार्केट में आपके सामने, आप खुद देख रहे हो, ये पुराने टायर, कोई नट बोल्ट कस रहा है, कोई 50 रुपए का सील बेच रहा है, कोई 10 रुपए का नट बेच रहा है, इन पर ही 2 करोड़ रुपए हो आ रहे। तो ये दुकान करने के क्या कर रहा है, ये भी ठाट कर रहा मिल गावा है, लंबे लंबे कुर्ते पहन के गाड़िया में घूमर, मगर इनके पास ढोल नहीं है, ताजा कमानी है और ताजा खानी है। मगर सरकार पूरी तरह से फेल है, इससे फद्दू सरकार मैंने मेरी जिंदगी में नहीं देखी। यहाँ पूछना चाहता हूँ, खुले तौर पे फायरिंग की जाती है, मोटरसाइकिल पर 3 अपराधी आते हैं, अभी तक नहीं पकड़े गए। लंदन में चले गए भाई, कोई सुरंग में घुस गए, के धरती में घुस गए, के राम ऊपर ले गया। और कोई आदमी छोटा सा कोई हो, दुकानदार 2 रुपए की टैक्स की कोई कमी कर दे, फट पुलिस भी आ जाएगी, टैक्स वाले भी आ जाएंगे, और समोसे भी खावाएंगे, चोरी भी खावाएंगे, और सिद्धि माल भी लेके जाओगे। जिन्होंने फिरौती मांगी थी और सीसीटीवी फुटेज में वो कैद है, उन पर कोई कार्रवाई की है अभी तक? कार्रवाई देखो, FIR दर्ज है, मजबूत मुकदमे दर्ज हुए हैं, और 2 के होश के आज तीसरे की कह दिया, दोनों को सिक्योरिटी मिल चुकी है, कोई चिंता करने की बात नहीं। पूरा इंसान है हरियाणा का, व्यापारी, उद्योगपति, आम जनता एकजुट है, एकजुट होकर भाई साथ चलेगी, इसमें कोई दो राय नहीं। हमारी एक अपील है, बदमाशों को पकड़ो, इनका इलाज करो, हमारे मिस्त्री भाई छोटे छोटे काम कर रहे हैं, मजदूरी कर रहे हैं, कमान खान दो भाई, दुकानदार उनकी कमान खान दो, यही हमारी मांग है। नहीं तो भाई अगला स्टेप उठाएंगे, अगला हिसार बंद भी करेंगे, हरियाणा बंद करना पड़ा तो हरियाणा बंद भी करेंगे, इसमें कोई दूर है। बंटी गोयल जी हमारे साथ मौजूद है, सर क्या कहना चाहेंगे जिस तरीके की दहशत पूरे हिसार शहर में फैली हुई? नहीं, दहशत में तो बदमाशों ने कमी नहीं रखी, अगर सरकार ये 3 शुरू में पकड़ लेती तो उनके अंदर हिम्मत ही नहीं पड़ती कि भीम ऑटोमोबाइल को और गोयल त्रिपाल को धमकी देने की। पूरी तरह सरकार फैली हो रही, तीनों का नाम आगे आ गया, जगह आगे आ गई, उसके बाद भी सरकार नहीं पकड़ रही। सर इसी के साथ सोशल मीडिया पर काला खैरमपुरिया ने इसकी जिम्मेवारी लिया, उसको लेकर आपको कोई इसके बारे में सूचना है? तो कहना भी सरकार पकड़े उसको जल्दी जल्दी, अगर वो तीनों, मैं तो पहले आपको कह रहा हूँ कि अगर वो गोली 40 गोली चलाना, अगर चला के वो बाकी विदेश थोड़ी चले गए, अगर उनको पकड़ लेते तो ये गुंडे वही तो है, तो उन्होंने धमकी दी जी।
धमकी सरकार की नाकामी है इसमें। सर आम जन क्या अपने आप को यहाँ पर सुरक्षित महसूस कर सकता है जिस तरीके के हालात बने हुए? ऐसा जी पूरा हिसार का व्यापारी भयभीत भयभीत है, कोई आमजन बिल्कुल सुरक्षित नहीं है। मैं तो सभी व्यापारियों को कहना चाहूंगा सभी अपने अपने दुकानें छोड़कर सारे के सारे बाहर आए, इस सरकार को दिखा दें कि व्यापारी कमजोर नहीं है। कोई फिरौती मांगता है कि कोई गोली चला रहा है क्या, ये तो बच गया वो बेचारा, कुछ ग्राहक भी थे उसकी दुकान में बहुत कुछ था, एक के मांगी उसको तो बिल्कुल बेखौफ है, एक से मांगने के बाद दूसरे से मांगने, इसका मतलब या तो सरकार की मिली पकड़ है, सरकार के गुंडे हैं ये सरकार ने पाले हुए गुंडे हैं। अगर सरकार इनको नहीं पकड़ती तो इसके लिए बड़ा आंदोलन भी होगा, चाहे हमें शहर तो बंद होगा साथ में हर लोग सड़कों पर उतरकर एसपी डीसी डीजीपी के घर में नाक नकेल कसने का काम कर देंगे। अगर इनको नहीं पकड़ा हमारे व्यापारी पे कोई आ जाएगी तो उसके लिए पीछे नहीं हटेंगे, चाहे हमें उसके लिए कुछ भी करना पड़े, चाहे इसके लिए रेले भी रोकेंगे, हरियाणा भी बंद करेंगे, सारा कुछ कर देंगे, पीछे नहीं हटेंगे, हमारे व्यापारी के ऊपर इतनी सी भी आंच नहीं आने देंगे। तो क्या लगता है सर ये दुकानें बंद करने से कुछ हो पाएगा? दुकानें बंद करने शहर क्या करेंगे, दुकानें खोल के भी क्या करें हम लोग, सरियां कोई मार दिए जाएंगे हमारे व्यापारी, कौन पूछेगा फिर, सरकार नहीं सूद लेने वाली। अब एक बात तो एक को दे दी पकड़ लो, किस किस को दोगे, पहले पुलिस कर्मचारी यानी सिक्योरिटी किस किस को दे दोगे आप, पूरे कर्मचारियों की भर्ती नहीं है, कर्मचारी है नहीं, और कहां से दोगे सिक्योरिटी? अगर वैसे आम जनता चली जाए, एक और पंगा करके छोड़ दिया है, अगर हमने शिकायत लगानी तो मैं थाने के अंदर जाऊं, क्यों जाऊं मैं थाने के अंदर, चौकियां किस लिए बनाई हुई है, ये नए नए अपने कानून निकाले जा रहे हैं, एसपी हमारा इतना सुस्त था, अब सारण साहब आए हैं देखो ये क्या करके दिखाते हैं, हम तो इनसे उम्मीद लगाए हुए हैं, मुझे लगता है कि ये आए हैं तो कुछ ना कुछ करके दिखाएंगे, हम इनका यहाँ पर आने पर धन्यवाद वेलकम भी करते हैं, और इनको भी कहूंगा कि जल्द से जल्द ऐसी छड़ी घुमाइए, मंदिर से एक चप्पल चोरी नहीं हो सकती अगर पुलिस चाहे तो, नारा तो यही पुलिस वालों से निवेदन है, इसको जल्द से जल्द पकड़े ताकि जो भी उचित कार्रवाई बनती है इनके ऊपर करें, ताकि हमारे व्यापारियों के ऊपर कोई आंच ना आ सके, और ये नहीं राजगुरु मार्केट भी इनका पूरा सहयोग करेगी। तो भाई आपको बता दें कि किस तरीके से पूरे हिसार शहर के अंदर दहशत फैल चुकी है, एक के बाद एक फिरौती मांगी जा रही है जी। आपको बता दें आज से 3-4 दिन पहले जो है महिंद्रा एजेंसी के अंदर 5 करोड़ की फिरौती, फिर उसके बाद भीम ऑटोमोबाइल के अंदर 2 करोड़ की फिरौती, और कल रात जी हाँ फिर से एक और व्हाट्सएप पर आकर जो है मैसेज कॉल कर जो है फिरौती मांगी गई है 2 करोड़ की। यानी हिसार पुलिस आखिर कर क्या रही है, हिसार पुलिस इस पर कोई ध्यान नहीं दे रही है। और इसी के साथ आपको बता दें आईपीएस दीपक सारण का जो है तबादला हो चुका है हिसार में, और उनका स्वागत करने के लिए जो है पूरी व्यापार मंडल और राजगुरु मार्केट जो है उनके साथ है, और उनसे उम्मीद लगाई जा रही है कि वो इस पर जो है कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेंगे और जो जो लोग इसके अंदर शामिल है उनको पकड़ने का काम करेंगे। खैर आपको बता दें कि हिसार की ऑटो मार्केट कल पूरी तरीके से बंद रहेगी, और आपको ये भी पता होगा कि हिसार की ऑटो मार्केट जो है पूरे हरियाणा पूरे भारत में विख्यात है अपने स्पेयर पार्ट्स के लिए। ऐसे में अगर यहाँ पर लोग अपने आप को व्यापारी अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे तो आम जन क्या ही कहे। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर रखें, और